हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल और होली स्पेशल इंस्टेंट ठंडई मिल्क। इंस्टेंट ठंडई मिल्क बनाने के लिए हमें एक पाउडर रेडी करना पड़ेगा, जिसे हम ठंडे ठंडे दूध में डाल के इंस्टेंट ठंडई मिल्क रेडी करेंगे। ये पाउडर रेडी करके आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ठंडई मिल्क बनाना। ठंडई मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका जो पाउडर रेडी करना है वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए काजू और बादाम 1 बोल के करीब लिया। छोटे बोल से 1 बोल मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है। 1/4 मैंने यहाँ पे लिया है खसखस, आधा बोल के करीब लिया है मेलन सीड, आधा बोल मैंने यहाँ पे लिया है हरा वाला सौंफ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है गुलकंद, 1/4 बोल लिया है मैंने पिस्ता और यहाँ पे लिया है थोड़ी सी इलायची, लौंग और काली मिर्च और ये लिया है मैंने रोज के कुछ पेटल्स और ये है मिश्री का पाउडर जिसे मैंने रेडी करके रखा है। ये देखिए जो मिश्री थी जो पाउडर से पहले ये कुछ इस तरीके की थी और इसे मैंने ये पीस लिया है। एक मैंने जानबूझ के रखा है आपको दिखाने के लिए कि मैंने ये मिश्री का यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले हम जो मिक्सी है उसका जो छोटा वाला जार होता है वो लेंगे और इसके अंदर ये जो काजू और बादाम है इसे हम डालेंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर पिस्ता, खसखस, मेलन सीड और सौंफ डालेंगे हम इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची, काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च और लौंग का जो तीखा सा जो टेस्ट आता है ठंडई में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिश्री पाउडर। मिश्री पाउडर जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बारीक नहीं है इसलिए हम इसके अंदर डाल के फिर से एक बार इसे और पतला कर लेंगे। अगर आपने बारीक पीसा होगा तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ पेटल्स और इन सब चीज़ों का हम एक पाउडर बना लेंगे और ये हमारा जो पाउडर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए जो पाउडर है हमारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है वो लेंगे और उसके अंदर हम 2 ग्लास के करीब दूध डालेंगे। मीडियम ग्लास से 2 ग्लास के करीब हम इसके अंदर दूध डालेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे गुलकंद। मीडियम साइज के चम्मच से ये 2 चम्मच के करीब गुलकंद है, थोड़ा कम भी ले सकते हैं आप। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच जो हमने पाउडर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमने ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए अब हम इसे ग्लास के अंदर डालेंगे। इस पाउडर का इस्तेमाल आप खीर, कुल्फी और आइसक्रीम में कर सकते हैं। जब आप आइसक्रीम या खीर या फिर कुल्फी बना रहे हो उसके मिश्रण में आप ये 2 चम्मच डाल देंगे तो आपकी ये ठंडई कुल्फी बन जाएगी, ठंडई आइसक्रीम बन जाएगी या फिर ठंडई खीर बन जाएगी। और ये देखिए हमने इसे ग्लास में डाल दिया है। इसके ऊपर जो ये पाउडर है उस वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, कटा हुआ पिस्ता या बादाम। और अब हम इस ठंडी ठंडी ठंडई में डालेंगे ड्राई रोज पेटल्स। और ये देखिए जो हमारी ठंडई है वो रेडी हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।